आज मैं बात कर रहा हूँ ऑर्बिटल स्पीड का। यहाँ पे ये अर्थ है और इसका सेंटर क्या हो गया, ये हो गया एम हो गया, ओके। और यहाँ से एच हाइट पर एक क्या है, एम मास का ब्लॉक है और इसकी रेडियस कितनी हो गई है, आर हो गई। तो इस तरह से ये ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगी इस तरह से होगी। तो इसमें जो जो एफ होगा, एफ जी, वो सेंट्रिपिटल फोर्स को बैलेंस करेगा, यानी जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बटे क्या हो गया, आर प्लस एच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम अभी ऑर्बिटल इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर प्लस एच। तो इसका ये स्क्वायर हो गया, तो इससे एक कट जाएगा, ये एम से एम कट जाएगा, यानी भी जो ऑर्बिटल होगा, भी ऑर्बिटल वो जी एम और आर प्लस एच होगा इस तरह से। अगर आप क्या करते हैं कि एच को जीरो कर देते हैं, एच को जीरो करने का मतलब क्या हुआ कि लगभग उसके बराबर है ना, लगभग अर्थ पे है, लेकिन अर्थ पे है नहीं हो। तो यहाँ पर हो गया कि भी जो ऑर्बिटल हुआ वो रूट अंडर जी एम डिवाइडेड बटे आर हो गया। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, जी एम बटे आर का स्क्वायर लिखते हैं। तो जी आर इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बटे आर लिखेंगे, तो भी जो ऑर्बिटल है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर जी आर। जो भी ऑर्बिटल है भी ओ, उसको लिखेंगे जी और आर। जी का वैल्यू मालूम है आपको और आर का भी वैल्यू मालूम है, तो आप इसको जब पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू मिलेगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। वी जो ऑर्बिटल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम के पावर जीरो, यानी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मूविंग पार्टिकल। जो पार्टिकल मूव कर रही है उस पर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मूविंग पार्टिकल। ऑर्बिटल स्पीड मूविंग पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती है, अर्थ के मास पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन मूविंग पार्टिकल। अब यहां पर क्या है कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ, है ना, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, यहां पर लिखते हैं क्या, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, इस तरह से बात है, ओके। अब इसी में हम अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो गया 1/2 एम भी ऑर्बिटल का स्क्वायर, तो 1/2 एम रूट अंडर जी कैपिटल एम स्मॉल कैपिटल आर, इसका क्या लिखना है, स्क्वायर। तो ये क्या हो रहा है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बटे 2R आ रहा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, काफी इंपॉर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो गई माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बटे आर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और टोटल जो एनर्जी हो गई वो हो गई माइन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो है जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बटे कितना, 2R माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बटे आर इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बटे 2R। यहाँ पर क्या हो गया, टोटल एनर्जी, ये क्या हो गया, है ना, टोटल एनर्जी हो गया। तो टोटल जो एनर्जी है वो क्या रही, निगेटिव, टोटल एनर्जी निगेटिव आ गई, टोटल एनर्जी निगेटिव, इंडिकेट दैट टोटल एनर्जी निगेटिव इंडिकेट दैट सैटेलाइट
सैटेलाइट बाउंडेड बाई अर्थ, अर्थ से बाउंडेड है, अर्थ अपने अकॉर्डिंग उसको क्या कर रहा है, घुमा रहा है। समझ में आ रही बात, अर्थ क्या कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग घुमा रहा है। अब जैसा कि टोटल एनर्जी जो है माइनस जी एम एम बटे टू आर है, तो अब इसी को आप लिख सकते हैं क्या कि काइनेटिक जो एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के बराबर है विथ मॉडुलस, चूंकि काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव होती है और टोटल एनर्जी क्या है, निगेटिव है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों एक जैसा है कि नहीं। अब इसी में आप लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बटे क्या है, टू है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या पोटेंशियल जो एनर्जी है वो क्या है, टू टाइम्स काइनेटिक एनर्जी है, ये भी लिख सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसी में हम लोग बात करते हैं टाइम पीरियड की, बात करते हैं टाइम पीरियड क्या होगा इसका। सर्कुलर पाथ पे चलता है तो इसका टाइम पीरियड तो होगा ही। अगर इसके चारों तरफ मान लीजिए इस तरह से ये घूम रहा है, आइए इस तरह से अपना ये अर्थ ऐसे घूम रहा है ऐसे, इसका जो एक्चुअल है ये आर है मान लीजिए, और ये भी ऑर्बिटल है। तो टी इजिकल टू जो लिखा जाएगा, टी इजिकल टू वो क्या लिखा जाएगा, टू पाई आर डिवाइडेड बटे भी ऑर्बिटल। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, टू पाई आर डिवाइडेड बटे भी ऑर्बिटल को लिखेंगे जी एम डिवाइडेड बटे आर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू पाई और ये हो गया कितना, आर के पावर वन, यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा तो आर के पावर कितना होगा, वन बाई टू डिवाइडेड बटे रूट अंडर जी एम, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो टी इजिकल टू जो होगा टू पाई आर के पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बटे कितना हो जाएगा, अंडर रूट जी एम, है कि नहीं। तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के पावर थ्री बाई टू हो जाएगा, हो जाएगा यानी टी वन डिवाइडेड बटे क्या हो गया, टी टू इजिकल टू आर वन डिवाइडेड बटे कितना, आर टू। इसका जो पावर होगा वो क्या हो गया, थ्री बाई टू हो गया। तो ये टाइम पीरियड आ गया है ना। टाइम पीरियड में क्या है, ये सब तो कांस्टेंट है, टू पाई और जी ए ये सब कांस्टेंट है, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, इस तरह का आ गया। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल का, बहुत इम्पॉर्टेंट है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे आप, जैसे कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसका सिंबल हम लोग भी लिखते हैं भी। तो कोई पॉइंट मास है मान लीजिए, इसको पहले तो भी इजिकल टू क्या लिखते हैं, U डिवाइडेड बटे m लिखते हैं, तो माइनस जी कैपिटल m स्मॉल m डिवाइडेड बटे r पोटेंशियल एनर्जी होती है और m, तो ये हो जाएगा माइनस जी कैपिटल m डिवाइडेड बटे r, ये हो गया भी भी ये हो गया। अब कोई रिंग है इस तरह से, उसका मास है एम, रिंग का मास एम है, ई है सेंटर, सेंटर से ये आर डिस्टेंस है, यहाँ पर क्या है ये एक्स है, और यहाँ पर क्या है पॉइंट है, यहाँ पर क्या है डीएम है डीएम। तो इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो ई वाला क्या है, एक्स डिस्टेंस है, तो ई वाली कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपको कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल की बात करेंगे तो होगा डी भी माइनस जी डी एम डिवाइडेड बटे कितना हो जाएगा आर, इस वैल्यूज को हम आर मानते हैं। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे डी भी को, यहाँ पर माइनस जी लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, और डी एम को क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन में लिखेंगे। तो भी इजिकल टू जो होगा इस पॉइंट पे
वो हो गया माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर अब प्लस एक्स का स्क्वायर इसका पावर वन बटे कितना टू, इस तरह से मैंने लिखा है। अब चाहिए आपको क्या, सेंटर पर इसका वैल्यू चाहिए रिंग के सेंटर पे। तो रिंग के जो सेंटर है वहाँ पे अगर वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या लिखना होगा, जीरो एट सेंटर ऑफ रिंग, एट सेंटर ऑफ रिंग है ना। तो x बराबर जीरो, तो यहां पर ये हो गया कितना r, vp इज इक्वल टू माइनस gm बटे r, vp इज इक्वल टू माइनस gm बटे मैंने r लिखा, सेंटर पर लिखा होगा है ना, यहां पर लिखिए सेंटर, याद रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसी पे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है, पोटेंशियल हमको डिफरेंस निकालना है, मतलब कि वी वन माइनस वी टू कैलकुलेट करना है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से है, फाइंड वी वन माइनस वी टू, आपको वी वन माइनस वी टू कैलकुलेट करना है। तो वी वन माइनस वी टू कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक रिंग यहां पर है एक रिंग कहाँ है, यहाँ है एक रिंग, ये है इसका सेंटर यहाँ है और इसका सेंटर क्या है, यहाँ है, यहाँ पर है और एक यहाँ पर है कि नहीं। दो सेंटर रिंग है, दोनों का मास क्या है, इक्वल मास है, इसका भी m है और इसका भी m है, इसके बीच का जो दूरी है वो r रूट अंडर कितना है, 2 है, r रूट अंडर 2 है, और इसका क्या है r है, और ये भी क्या है r है ऐसे। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसका नाम 1 है इसका नाम 2 है, तो ये ऐसे जाएगा, ये कहाँ से जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा है कि नहीं, होगा ना भाई। तो अगर हम माने कि वन की बात करते हैं, वन की, वन का भी वन का, तो इसका तो एक होगा ही अपना सेंटर पे, इसका भी मास है, तो मास एम नहीं, इसका टू एम दे दीजिए अच्छा रहेगा, जीरो हो जाएगा। तो अब इसका तो एक होगा ही, इसका यहाँ पर होगा ठीक है, तो क्या होगा वैल्यू इसका यहाँ पे सेंटर पर। इस रिंग की अगर हम बात करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस जी एम बटे आर, चूंकि रिंग के सेंटर पर यही ना रिजल्ट होगा, और इसके अकॉर्डिंग अगर मानेंगे तो क्या होगा, माइनस जी इंटू टू एम डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो आर तो यहाँ आर है, एक्स कितना है, एक्स है आर रूट अंडर टू इसका स्क्वायर, और फिर इसका रूट है, तो यहाँ पर मिलेगा क्या, माइनस जी एम डिवाइडेड बटे आर माइनस टू जी एम डिवाइडेड बटे आर आर, ये आर हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा ये ओके। तो ये आ गया आपका वी वन। अब इसी तरह से अगर वी टू निकाला जाए, वी टू तो माइनस टू जी एम डिवाइडेड बटे कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा और माइनस जी एम डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर और प्लस आर रूट अंडर टू इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। वी टू इज इक्वल टू माइनस टू जी एम डिवाइडेड बटे कितना, आर माइनस जी एम डिवाइडेड बटे ये हो जाएगा कितना, आर रूट अंडर थ्री इतना हो गया। तब वी वन माइनस वी टू जो होगा वो क्या हो जाएगा, वी वन माइनस वी टू तो माइनस जी एम बटे आर और माइनस टू जी एम डिवाइडेड बटे आर रूट अंडर थ्री, फिर लिखेंगे क्या माइनस, तो माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा टू जी एम डिवाइडेड बटे आर प्लस जी एम और आर रूट अंडर थ्री।
V1 माइनस V2 इज इक्वल टू GM बटे R, GM बटे R यहाँ माइनस हो जाएगा, देख रहे हैं ना, GM बटे R रूट अंडर 3, तो ये आ जाएगा GM बटे R और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे रूट अंडर 3, ऐसा आंसर होगा। V1 माइनस V2 इज इक्वल टू GM बटे R, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, अब इसी में हम लोग करते हैं पोटेंशियल जो है होलो स्फीयर का निकालते हैं, होलो स्फीयर का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर, होलो स्फीयर कहिए चाहे सेल कहिए, होलो स्फीयर या सेल, होलो स्फीयर ये पी हो गया, ये एम है और ये सेल है, तो पोटेंशियल निकालना है आउट पे, तो हो जाएगा माइनस GM और डिवाइड बटे कितना R हो जाएगा, और जो भी ऑन निकालना है R ग्रेटर देन R, अभी जो ऑन निकालना है वो हो गया माइनस GM बटे R, और भी जो इन निकालना है वो कहीं भी निकालिए तो वो होगा माइनस GM बटे R। जो सतह पे होगा वो सभी वैल्यू अंदर में भी होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया R लेस देन R। अभी अगर सेंटर का भी बात करिएगा तो ये भी वही होगा माइनस GM डिवाइडेड बटे R, सेंटर पे भी रिजल्ट यही आएगा, मतलब कि R बराबर जीरो पे भी वैल्यू चेंज आएगी। तो इसका अगर आप ग्राफ देखें तो पहली बात की पोटेंशियल तो यहाँ निगेटिव दे रहा है, तो ये हो गया R मीटर में, ई हो गया भी, ये हो गया जीरो, तो यहाँ पर सब कांस्टेंट है, देख रहे हैं एक बाई एक यहाँ वैल्यू क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ये R बराबर क्या है, R है, R ग्रेटर देन क्या है, R है, और R लेस देन क्या है, R है, इस तरह से। ये भी कहाँ है, ये सरफेस पे भी है, ठीक है ना, जो ये भी ऑन है वो कहाँ पे है, सरफेस पे है, और ये जो सरफेस पे मान है वही सेंटर पर भी मान है, और लगातार कहाँ तक है, सरफेस तक है, और बाद ये घटना चालू कर रहा है, और फिर इन्फिनिटी पे जाके ये वैल्यू जीरो हो गई। बात समझ में आ रही है, ये हो गया। अब इसी तरह से आपको सॉलिड स्फीयर को भी देखना है, सॉलिड स्फीयर में जो पोटेंशियल है उसको दिखाते हैं कि यह कैसे चेंज करता है। सॉलिड स्फीयर, इसको लिखते हैं सॉलिड स्फीयर के चलते, जैसे कि अर्थ हो गया सॉलिड स्फीयर, अब इसके अंदर भी मास है ना, इसके अंदर भी मास है, ऐसे एम है वह, तो ये रेडियस है स्फीयर का, एक हमको यहाँ पे पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, इस तरह से पॉइंट है, और हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो जो भी आउट है वो पहले वाला रिजल्ट होगा माइनस GM डिवाइडेड बटे R, और यहाँ पर क्या हो गया R ग्रेटर देन कैपिटल R, और जो भी ऑन है वो क्या हो गया माइनस GM डिवाइडेड बटे कैपिटल R, और यहाँ पर हो गया क्या R बराबर R, और जो भी इन है वो हो गया माइनस GM डिवाइडेड बटे 3R का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2R³, ऐसा है। और अगर आप चाहते हैं कि एट सेंटर अगर आप चाहते हैं कि R इजिकल टू क्या हो जाएगा जीरो, तो भी जो सेंटर पर आ रहा है
वो रिजल्ट देख रहे हैं क्या आ रहा है, यहाँ जो जीरो हो जाएगा इसको सोल्व करिएगा तो माइनस थ्री बटे टू और जी एम डिवाइडेड बटे कितना हो जाएगा कैपिटल आर ये हो जाएगा। सरफेस पर अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आर बराबर आर कर दीजिए ऑन द सरफेस, इसी में जनरल में ऑन द सरफेस। R इज इक्वल टू क्या लिखना होगा, R लिखना होगा सरफेस पे, तो भी जो ऑन आएगा वो माइनस जी एम यहाँ पर हो गया थ्री आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या होगा टू आर क्यू, तो भी जो ऑन आएगा वो माइनस जी एम डिवाइडेड बटे R। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो भी ऑन है वही तो रिजल्ट ये आ गया। इस रिजल्ट से समझ में आ रही बात है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन बहुत आता है ना। तो अब हम ये कह रहे हैं कि इसको अगर हम ग्राफ में दिखाएं तो थोड़ा सा इसका ग्राफ में कुछ ऐसा दिखाना होगा। इसको यहाँ से ऐसे दिखाइए ऐसे, ई हो गया कितना, ये हो गया आर, तो आर ये हो गया मीटर में, यहाँ पर हो गया ये ये हो गया जीरो, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ना है सेंटर पे माइनस थ्री पॉइंट सॉरी थ्री बाई टू है, मतलब कि 1.5 माइनस जी एम बटे आर, और सरफेस पे क्या है माइनस जी एम बटे आर है, और सेंटर पर कितना है 1.5 जी एम बटे आर है माइनस साइन में, तो यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ से है ना, ठीक है ना। और क्या होगा यहाँ पर, इस तरह से ये वैल्यू जाएगा यहाँ है ना, और फिर क्या होगा ये हो गया आपको 70, ये हो गया सेंटर, ये हो गया 70, उसके बाद ये ऐसे है ना, इस तरह से ये वैल्यू होगा ऐसे घूमता चला जाएगा है ना इस तरह से, और ये कहाँ चला जाएगा जीरो हो जाएगा, फिर इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यूज आपको दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को समझिएगा, पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा क्या है क्वेश्चन, उसको समझिए उसके बाद बात करते हैं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि एक सेल है, ये सेल दे रखा है, इसका मास कितना है m है, सेल का मास m है, और इसकी सेंटर से ये रेडियस कितनी है आर है, और इसके सेंटर पर एक और मास दिया हुआ है, पूरा सेल है उसका मास एम है उसकी रेडियस आर है, और सेंटर पर एक और मास दिया हुआ है, और यहाँ पर एक पॉइंट है पी, और वो पॉइंट जो है आर बाई टू पे है, तो हमको वी पी निकालना है। तो वी पी कैसे निकालेंगे, सबसे पहला जो काम करेंगे वो तो सेल का निकालेंगे, और उसके बाद क्या निकालेंगे, उसके बाद पॉइंट का निकालेंगे, मतलब कि ये पॉइंट मास का निकालेंगे। पॉइंट मास का मतलब ये तो सेल है ना, तो ये तो पॉइंट मास नहीं ना हुआ, यहाँ पर एक रखे हैं मास उसको बोलते हैं पॉइंट मास। तो यहाँ से इसके लिए क्या होगा, पूरे सेल के लिए क्या होगा, पूरा ये सेल है उसके कहीं भी अंदर में पोटेंशियल क्या होता है माइनस जी एम बटे आर होता है, तो आर बाई टू हो चाहे आर बाई फोर हो चाहे आर बाई थ्री हो, उसका पोटेंशियल सेल का अंदर में माइनस क्या होगा जी एम बटे आर होगा, ये समझ में आ रहा है ओके। माइनस और पॉइंट मास का कितना होगा, पॉइंट मास का जो होता है फार्मूला कॉमन वो होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या माइनस जी एम डिवाइडेड बटे आर माइनस टू जी एम डिवाइडेड बटे कितना आर, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री जी एम डिवाइडेड बटे आर होगा। तो भी जो पी है वो अगर मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो माइनस थ्री जी एम डिवाइडेड बटे आर, यानी ये हो गया थ्री जी एम बटे कितना हो गया आर, देख रहे हैं, तो भी पी इज इक्वल टू थ्री जी एम बटे आर हो जाएगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अब सवाल थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा सवाल कैसा रहता है, एनर्जी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनकी हम थोड़ा सा बात करते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन होता है।
एक तो ये हुआ क्वेश्चन आपका कि यहाँ पर एम मास का कोई एक ब्लॉक है ना, और यहाँ से इसको आप क्या करते हैं कि यहाँ पे लेके जाते हैं एच हाइट, है ना, एच हाइट इसको लेके जाते हैं, तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आता है ऐसे। और यहाँ से रेडियस कितना है, आर है, और ई हो गया आपका ए, फिर चला गया यहाँ चला गया, तो जो यू इनिशियल है वो हो माइनस जी एम एम डिवाइडेड बटे कितना है आर है, और जो यू फाइनल है वो है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बटे आर प्लस एच है। तो यहाँ पर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो तो हमको यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखना होगा, तो माइनस जी कैपिटल एम और स्मॉल एम और आर प्लस एच लिखेंगे, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर जी एम एम डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे आर लिखेंगे, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बटे इसको कॉमन ले लेंगे तो वन बटे आर माइनस वन बटे आर अब प्लस क्या बन जाएगा एच बन जाएगा। इसको सोल्व जब करिएगा तो जी एम एम डिवाइडेड बटे मिल जाएगा आर और आर प्लस एच मिल जाएगा मिलेगा और इंटू यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा एच मिल जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो एच मिलेगा। अब इसमें जो है जी एम बटे आर का स्क्वायर अगर इसको हम कॉमन ले लेते हैं तो एम इंटू एच डिवाइडेड बटे वन प्लस एच बटे आर ऐसा वैल्यू मिलेगा। इसको जी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो एम जी और एच हो जाएगा डिवाइडेड बटे वन प्लस एच बटे आर हो जाएगा। अब जैसे जैसे एच का वैल्यू चेंज करेगा वैसे वैसे आपको क्या मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा, है ना। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। और अब यहाँ पर क्या है कि हम बात करने जा रहे हैं वो है आपको ऑर्बिटल सॉरी स्कैप वेलोसिटी। तो स्कैप जो वेलोसिटी है इसमें क्या होगा, स्कैप वेलोसिटी का मतलब या स्कैप स्पीड का मतलब है कि वैसा मिनिमम स्पीड से फेंकिए और सरफेस से जो ऑब्जेक्ट जो है कभी भी रिटर्न नहीं आए। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आर ई हो गया, और यहाँ पर मास कितना है एम है, और इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हैं फेंक रहे हैं, इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, तो वो एक मिनिमम वेलोसिटी है जिसका नाम होगा स्कैप स्पीड। तो इसमें क्या लगाते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, तो टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर टोटल एनर्जी क्या करते हैं फाइनल, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बटे क्या लिखते हैं आर प्लस वन बटे टू एम इंटू वी स्कैप इसका क्या लिखते हैं स्क्वायर। और टोटल एनर्जी में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा जीरो, जो कि बहुत दूर चला गया है, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा जीरो होगा, क्योंकि वो जाकर किसी दूसरे ग्रह पे या दूसरे कुछ ऑब्जेक्ट पर जाकर रुका हुआ है, तो वो भी क्या हो गया जीरो हो गया, नेवर रिटर्न का मतलब यही हुआ। तो यहाँ पर इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या मिलने वाला है जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बटे कितना हो गया आर हो गया, वन बटे टू हो गया एम इंटू वी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एम डिवाइडेड बटे क्या हो गया आर हो गया, तो ये हो गया वी ई इज इक्वल टू रूट अंडर टू जी एम वी ई इजकल टू टू जी एम बटे आर, जैसे इसका वेलोसिटी है। अब इसको क्या करते हैं कि हम चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई कुछ रूप में चेंज करना चाहते हैं, तो एक तो हो जाएगा टू जी इंटू आर हो जाएगा, एक तो ये है, और दूसरा बात है कि सभी वैल्यूज को अगर हम पुट कर दें तो ये आ जाता है 11.2 किलोमीटर पर आवर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 11.2 है ना किलोमीटर पर आवर ये वैल्यू जाएगी। अब इसको हम चाहते हैं कि डेंसिटी के टर्म में भी इसको हम लिखते हैं, तो डेंसिटी बराबर हम लिखते हैं मास बटे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई, और यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपको है
आर का स्क्वायर यहाँ पर क्या है, एम डिवाइडेड बटे आर। अब इसको हम क्या लिख देते हैं कि 4/3 रो कैपिटल जी बाई आर का स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं जी एम डिवाइडेड बटे क्या आर। अब ये जो जी एम बटे आर है, जी एम बटे आर उसके जगह पर हम इतने क्वांटिटी को रख रहे हैं, तो भी इस कैप जो है 2 तो यहाँ रहेगा ही, ओके 4/3 रो जी पाई आर का स्क्वायर ऐसे, सही है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस कैप जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो और आर का स्क्वायर। तो स्कैप वेलोसिटी का फर्स्ट, स्कैप वेलोसिटी सेकंड इज इक्वल टू रो 1/√2 अंडर रूट और r1/r2। बड़े काम का फॉर्मूला है ये, जब स्कैप वेलोसिटी डेंसिटी से रिलेटेड हो तो इस फॉर्मूला का आप काफ़ी अच्छा से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए और ये याद रखना होगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इससे आता है, इसका वेलोसिटी रिलेटेड विथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि जैसे मान लीजिए कि इस तरह से कोई एक सैटेलाइट जो है रिवॉल्व कर रहा है, सैटेलाइट यहाँ पर इस तरह से, ये सैटेलाइट है, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, वी ओ है, ऑर्बिटल वेलोसिटीज का भी हो, और यहाँ से किसी बॉडी को है ना आप स्कैप करा रहे हैं, स्कैप लग, तो क्या लिखेंगे रिजल्ट, स्कैप वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल वेलोसिटी, किसी बॉडी का आप स्कैप करा रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, ऑर्बिटल स्पीड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पहले कहाँ से कराते थे, अर्थ से कराते थे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, वी स्कैप माइनस वी ऑर्बिटल, यहाँ पर लिखेंगे √2gm डिवाइडेड बटे क्या लिखते हैं r माइनस √gm डिवाइडेड बटे क्या लिखते हैं r, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे gm डिवाइडेड बटे r, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर मिलेगा क्या √2 -1, तो यहाँ पर क्या होगा भी स्कैप √ इसको लिखेंगे क्या वी ओ √2 -1, ये आपको एग्जाम में पूछा हुआ है कि नहीं, है ना। तो अब यहाँ पर फिर एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है, ये है अर्थ, यहाँ से किसी बॉडी को आप स्कैप कर रहे हैं, कितना से कर रहे हैं, वी ई √k, वी ई (k), जो के है एक कॉन्स्टेंट वैल्यूज है, तो कुछ ऐसे रिलेशन पूछेगा इसमें, है ना, तो स्कैप करा देते हैं, मतलब कि इतना से फेंके तो स्कैप हो गया, है ना, इस तरह का अपना क्वेश्चन रहता है। तो इसमें भी क्या करेंगे, ऐसे सवालों को जस्ट सोल्व करेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही इस्तेमाल करेंगे, इनिशियल और फाइनल, ओके। केपलर्स लॉ में अगर हम बात करें तो एक तो हो गया तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है, केपलर से कांस्टेंट कॉन्सेप्ट से देखा जाए, केपलर्स लॉ में अगर बात करें तो इस तरह से ऑप्टिकल ऑर्बिट है ना, इलिप्टिकल ऑर्बिट में है ना घूमते रहता है, ये वाला है, और यहाँ पर इस तरह से जा रहा है ना, तो ई वेलोसिटी v1 है, तो ई क्या है v2 है, तो v1 का स्पीड जो होगा ना वो v2 से ज़्यादा होगा, यहाँ फास्ट चलता है, ये वाला टाइम t1 है और ये वाला टाइम क्या है t2 है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी k1 का क्या होगा, इससे बड़ा होगा, इसी तरह से वो मूव करता है, तो यहाँ पर जो एरिया कवर करता है और ई जो है यहाँ पर एरिया कवर करता है, दोनों एरिया इक्वल होता है, ये पतला सा होता है लंबा और ये छोटा होता है लेकिन चौड़ा होता है, तो इक्वल एरिया कवर करता है, ये स्पीड स्लो होती है और ये फास्ट होती है, तो काइनेटिक एनर्जी इसका कम होगी, ऐसा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ज़्यादा होगी, फिर ज़्यादा है, और इसमें जो है ना टाइम टेकन ज़्यादा लेगा, ई जो है
ये जो टाइम है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा T1 से T2। एक तो ये हो गया, दूसरा है कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल जो है टॉर्क नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो एंगुलर जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट या कंजर्व कर सकते हैं, कांस्टेंट या कंजर्व, ठीक है, कांस्टेंट या कंजर्व। दूसरा ये इसका ये है कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यू होता है, ये काफ़ी फेमस फॉर्मूला है, T1/T2 इज इक्वल टू R1/R2, इसका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रहा आपको ग्रेविटेशन का, इससे आप क्वेश्चन बनाएंगे, आपको क्वेश्चन बनेगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप उसमें कमेंट करिए, है ना। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बताइए, इसमें क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, आपको साउंड में या लिखने में आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।